हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रवा इडली की रेसिपी। आपके पास इडली स्टैंड नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, बहुत ही आसानी से इडली बनकर तैयार हो जाता है बिना स्टैंड का। चलिए तो हम एकदम सॉफ्ट मुलायम रवा इडली को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने रवा लिया है, इसे सूजी भी बोलते हैं। ये बारीक वाली सूजी है, इसे प्याले में डाल दें। आधा कप इसमें दही डाल दें। आधी चम्मची नमक मिला लें। अब थोड़ा सा पानी डाल दें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सूजी हमारा 1 कप था तो दही मैंने आधा कप डाला है, यानी कि सूजी का आधा आपको दही डालना है। बहुत ज़्यादा खट्टी दही का भी इस्तेमाल नहीं करें, इसे कवर करके 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। 15 मिनट बाद देखिए दोस्तों, सूजी ने सारा पानी पी लिया है, ये अच्छे से फूल चुका है। देखिए हमारा बैटर एकदम सूखा सा है, इसमें थोड़ा पानी मिला लें, मिक्स कर लें इसे। इसमें 1 चम्मच इनो मिला लें, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाल दें। अब इसे बैटर में मिक्स कर लें। इसी तरह का बैटर रखना है हमें। अभी इसे साइड में रखते हैं। इडली को मैं इस छोटी छोटी कटोरियाँ बना रही हूँ। इस तरह की कटोरियाँ सभी घरों में मौजूद होती हैं। सभी कटोरियों में थोड़ा थोड़ा तेल लगा लें। आपके पास इडली मेकर नहीं हो फिर भी आप बहुत अच्छी इडली बना सकती हैं। इडली बैटर को फिर से मिक्स कर लें। एक एक करछी बैटर सभी कटोरियों में डाल दें। कढ़ाई में पानी डालकर मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इस तरह का स्टैंड इसके अंदर रख दें। पानी में उबाल आने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लें। इसे कवर करके 15 मिनट के लिए स्टीम होने दें। इडली को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। छुरी या टूथपिक डालकर इसे चेक कर लें। देखिए दोस्तों, इडली हमारी अच्छे से पक चुकी है। इडली के सभी प्याले को कढ़ाई में से निकाल लें। दूसरी बार पकाने से पहले इसमें 1 कप पानी डाल दें। प्याले को कढ़ाई में रख दें। इसे कवर करके 15 मिनट के लिए स्टीम होने दें। छुरी की सहायता से थोड़ा सा इसके किनारों को फ्री कर लें। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से निकल आता है प्याले से। इतने बैटर से हमारी 8 पीस इडली बनी है। इडली को आप सांभर या चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। इडली एकदम नरम मुलायम बनी है, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय।